हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की जो पोस्टें हैं जो कि दोस्तों रेलवे की ओर से रिलीज़ की जाती हैं, तो इसमें कौन कौन सी पोस्टें जो हैं वो रिलीज़ होती है रेलवे की ओर से दोस्तों। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि रेलवे की ओर से एनुअल कैलेंडर जो है वो रिलीज़ किया गया है, एनुअल कैलेंडर जो है रिलीज़ किया गया है, जिसमें इन्होंने ये बताया है दोस्तों कि जो मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की जो पोस्टें हैं वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बिटवीन में रिलीज़ कर दिया जाएगा, यानी नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा आइसोलेटेड एंड मिनिस्टीरियल की मिनिस्टीरियल कैटेगरी की जो वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें पोस्टें जो है निकाली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकल कर आती है, जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी और जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की वैकेंसी निकल कर आती है। ठीक है, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं जूनियर स्टेनो इंग्लिश या फिर हिंदी में, तो 25,500 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। एज की अगर हम बात करें तो 18 साल से लेकर 30 साल तक यहाँ पर एज जो है आपकी है, तो अप्लाई कर पाओगे इस तरीके से। बाकी कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो 10+2 आपने किया होना चाहिए, शॉर्ट हैंड आपके पास होना चाहिए दोस्तों। शॉर्ट हैंड स्पीड आप यहाँ पर देख सकते हो 80 वर्ड पर मिनट, और फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट, 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, तो 80 वर्ड पर मिनट जो है आपका शॉर्ट एंड स्पीड होना चाहिए। ठीक है ना, इसी तरीके से दोस्तों इंग्लिश के लिए भी देख सकते हो, हिंदी के लिए भी देख सकते हो दोस्तों। तो ये जो स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी होती है, इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, स्किल टेस्ट आपका होता है। ठीक है, एक तो हमारे पास होता है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है, तो कई पोस्टों के लिए क्या होता है, स्किल टेस्ट होता है। तो यहाँ पर जूनियर स्टेनो के लिए क्या होता है, स्किल टेस्ट आपका लिया जाता है इस तरीके से दोस्तों। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लीजिए, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी और इंग्लिश की यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आती है। सेलेक्ट अगर आप हो जाते हैं तो 35,400 रुपये आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। 18 साल से लेकर 33 साल तक यहाँ पर एज जो है ये रखी गई है। और इसके लिए दोस्तों जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी इंग्लिश की जो वैकेंसी है, इसके लिए आपने मास्टर डिग्री की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर इसके इक्वलेंट में इन हिंदी, या फिर दोस्तों इंग्लिश, या फिर इंग्लिश में विद इंग्लिश या फिर हिंदी आपका कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल, जो भी आपका एग्जामिनेशन रहा होगा मीडियम जो भी रहा होगा आपका डिग्री लेवल पर, उसमें आपकी इलेक्टिव सब्जेक्ट इंग्लिश या फिर हिंदी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी क्या है, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी या इंग्लिश की है, तो इसी तरीके की आपकी क्वालिफिकेशन में जो है आपसे रिक्वायर्ड रहता है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। और इसी तरीके जो दोस्तों स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की वैकेंसी आती है, 35,400 रुपये से इसमें सैलरी आपकी स्टार्ट हो जाती है। 18 साल से लेकर 33 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और आगे देख लीजिए दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ग्रेजुएशन प्लस एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, यानी ग्रेजुएशन तो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन प्लस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबर वेलफेयर में, या फिर सोशल वेलफेयर में, या फिर LLB विद लेबर लॉ, ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एडिशन में दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों और में बताया गया है कि PG डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट या फिर MBA आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, 44,900 रुपये आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। 18 साल से लेकर 40 साल तक आपकी एज है, तो अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेब असिस्टेंट ग्रेड 3rd केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट की वैकेंसी आती है यहाँ पर, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रहता है, 10+2 आपने किया होना चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी विद साइंस आपने 10+2 किया होना चाहिए, 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट विद साइंस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट्स आर इट्स इक्विवेलेंट, यानी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, और डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए लेब टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट से। तो ये यहाँ पर लेब असिस्टेंट ग्रेड 3rd के लिए जो है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रहती है।
इस तरीके से फिंगरप्रिंट एग्जामिनर की वैकेंसी निकलती है, हेड कुक की यहाँ पर वैकेंसी निकलती है जिसके लिए 10+2 यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है, कुक की वैकेंसी निकलती है जिसके लिए 10+2 आपने किया होना चाहिए तो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की यहाँ पर वैकेंसी रहती है जिसके लिए यहाँ पर जो है डिग्री आपके पास होनी चाहिए और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग या जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन का, इसमें से किसी में भी एक में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आप देख लीजिए पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकल कर आती है, फोटोग्राफर की वैकेंसी निकल कर आती है, 10+2 आपके पास होना चाहिए फोटोग्राफर की वैकेंसी के लिए और डिप्लोमा आपका फोटोग्राफी में होना चाहिए क्योंकि फोटोग्राफर की वैकेंसी है तो यहाँ पर 10+2 और आपके पास कुछ डिप्लोमा भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है। इस तरीके से PGT टीचर जो है बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम मेल की वैकेंसी है, PGT टीचर इंग्लिश मेल की वैकेंसी निकलती है, PGT टीचर इंग्लिश फीमेल की वैकेंसी, PGT टीचर जियोग्राफी इंग्लिश मीडियम फीमेल की वैकेंसी है, तो इस तरीके से कई सारी वैकेंसी जो हैं यहाँ पर मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में रिलीज़ की जाती हैं। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हो TGT की वैकेंसी है, मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए वैकेंसी निकलती हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की यहाँ पर वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है, सैलरी अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, 44,900 रुपये आपको सैलरी दी जाती है, 18 साल मिनिमम जो है मतलब 18 साल आप क्रॉस होने चाहिए और 45 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज जो है बताई गई है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए विद डिप्लोमा फिजिकल ट्रेनिंग में आपके पास होना चाहिए या फिर BPED आपने किया होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है मेल और फीमेल तो क्वालिफिकेशन भी इसी तरीके की रिक्वायर्ड रहती है। इस तरीके से असिस्टेंट मिस्ट्रेस जूनियर स्कूल की यहाँ पर वैकेंसी निकलती है इसमें, और म्यूज़िक मिस्ट्रेस की यहाँ पर वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों म्यूज़िकल मिस्ट्रेस की जो ये वैकेंसी निकल कर आई है 35,400 रुपये इसमें सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलेगी, 18,045 तक यहाँ पर एज बताई गई है यानी 18 साल मिनिमम 45 साल मैक्सिमम एज यहाँ पर बताई गई है और इस तरीके से आगे आप क्वालिफिकेशन देख सकते हो। फिर डांस मिस्ट्रेस की यहाँ पर वैकेंसी है, तो डांस मिस्ट्रेस की अगर हम बात करें दोस्तों तो देख सकते हो यहाँ पर डिग्री आपने डांस में की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 4 ईयर्स का कोर्स ये आपने किया होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन डांस आपके पास होना चाहिए 5 ईयर्स का फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट 5 ईयर्स आगे मैंशन किया गया है। और इसमें क्या रहता है जैसे स्किल टेस्ट जो है स्टीनोग्राफर में आपका जैसे स्किल टेस्ट आपका लिया जाता है, एक तो होता है CBT दोस्तों जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा और ये डिपेंड करता है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो उसी बेसिस पर जो है यहाँ पर जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि आप अगर आप डांस के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हो तो आपका क्या होगा परफॉर्मेंस टेस्ट लिया जाएगा, अगर आप स्टीनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे कुक के लिए आप अप्लाई करोगे तो उसके लिए भी आपका टेस्ट होगा कि आपको कुकिंग आती भी है, तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि कौन सी जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई करते हो। इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी आती है 25,500 रुपये आपको सैलरी स्टार्टिंग में मिलती है, 18 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए, 45 साल ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए, 10+2 यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है यानी कि दोस्तों 12th अगर आपने किया है साइंस सब्जेक्ट से और 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपका है पैथोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल लेबोरेटरी, ठीक है, तो 1 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहता है। तो इस तरह की जो पोस्टें हैं दोस्तों वो मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड जो है कैटेगरी में मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में रिलीज़ की जाती हैं। इस तरीके से अगर और भी कोई पोस्टें हैं जो रेलवे की ओर से यहाँ पर एडिशन में ऐड की जाएंगी तो उसके बारे में जब नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा तो उस टाइम पर सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर हमें पता लगेंगी, ठीक है। तो अभी मैंने प्रीवियस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं कि कौन कौन सी ऐसी पोस्टें हैं जो यहाँ पर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में रिलीज़ की जाती हैं दोस्तों। और जैसे रेलवे के कैलेंडर आपने ऑलरेडी देखा होगा दोस्तों अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में इन्होंने बताया है कि जो आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसीज हैं यानी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड की जो वैकेंसीज हैं वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मंथ में यानी बिटवीन में ये जो वैकेंसीज हैं हर साल जो है रिलीज़ की जाएंगी, ठीक है। तो होप करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो जो है ये हेल्पफुल लगी होगी और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।